साल खलासी कर रहा था, उसके बाद 3 साल ड्राइवरी कर रहा है। पुलिस का जमाला है बहुत सारे, मेरा बेंगल में 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। हम लोग को 12,000 रुपया मिलता है, वो भी रेट कम है। इधर से बोलते हैं 1200 रुपया। ट्रांसफर वाला बोल रहा है जो हो जाएगा। हम तो इधर बेंगल से आलू लेकर आया था। अच्छा, बेंगल आपका है। पानी नहीं मिलता है ज्यादा, सारा दिन भर 2 घंटा आराम हो जाएगा तो मेरे को कुछ तो आधा घंटा 1 घंटा उसके बाद नहीं मिलता। ज्यादा होता, बारिश ज्यादा होता तो हम साइड करके खड़ा करते थे। लग चुका है, हम तो हमारा जो उस्ताद है ना वो तो बिहारी था, दाहिने तरफ नहीं जाना देता है। अच्छा अच्छा, चलाने के लिए 1 महीना लगता है। जी जी, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपका जो ओनर है बहुत अच्छे है आपका। इसके साथ तो जो नया वाला गाड़ी छोड़ नहीं पाता है, माल भी बैठता है ना, इसमें अंगूर टमाटो भी। अच्छा, इसमें अंगूर भी जाता है। गलत माल टायर देखना पड़ता है, टायर भी बोल्टो बोल्टो मार देता है। अच्छा, था इसको 21 टन। अच्छा, अभी 25 टन किया। चाला करने के लिए 5-5.5 लाख बॉडी बनाने के। बंगाल का मॉडल, एसी मॉडल बनाएगा तो 5 लाख होंगे। और इंडिया भर कोई भी जाएगा मेरे को जितना मर्जी आप खा जाओ। जी जी, लाइट बना कर रखिए, भी लाइट जलेगा। तरीका होता है, ओवर लोड होता है तो फाइन लो। जी जी, गाड़ी पर कोई भी कागज, गाड़ी पकड़ाएगा तो 500 रुपया लेगा। अच्छा, गाड़ी रुक पाएंगे तो 500 लेंगे ही, लगे चाहे आपका हर सामान। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं दोस्तों रॉन ऑन व्हील्स। दोस्तों, एक नया दिन और एक नया ट्रैक के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, आपके ठीक सामने खड़ा है बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही शानदार और बेहद ही प्यारा ट्रक। और ट्रक अगर बात करें, टाटा का ट्रक है दोस्तों। ये 2013 मॉडल है, लेकिन लग नहीं रहा कि ये 2013 मॉडल है। देख सकते हैं आप, एकदम से चकाचक और नया लग रहा है ये। और इसका जो मॉडल नंबर है दोस्तों, वो भी यहाँ से कहाँ गायब हो गया है। जैसे कि ये 10 साल पुराना ट्रक है, तो पहले आपको लगेगा कि ये बहुत नया कंडीशन में 2023 का मॉडल है या फिर 2022 का होगा, लेकिन ये 2013 मॉडल का है। अगर ट्रक की दोस्तों खूबसूरती की बात करें, देखिए शानदार तरीके से भाई हमारे यहाँ पर सजा कर रखे हैं उसको। टाटा के जो दोस्तों ब्रांडिंग लोगो होता है उस पर देखिए, एक रेड और वाइट कलर का लाइट यहाँ पर लगा कर रखा है। और यहाँ पर स्टोन वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगा दिया है, और ये सामने से भी स्टोन लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए साइड से लिखा हुआ है, यहाँ पर जो गार्ड बना है उस पर भी लिख दिया है मिजानूर, सामीनूर, हसानूर और असानूर, जो इनके ओनर है उनका फैमिली वाले के उनके सारे मेंबर का नाम यहाँ पर लिख दिया भाई ने। और ऊपर से गुड्स कैरियर और ऑल इंडिया परमिट है, गाड़ी चलता है। गाड़ी बेहद ही खूबसूरत लग रहा है, हाजी रोडवेज यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर दोस्तों गाड़ी की, अगर ये जो हेडलैम्प होता है टाटा का हेडलैम्प दोस्तों, ये डबल हेडलैम्प के साथ आता है। देखिए यहाँ पर ये हेडलैम्प दोस्तों ये ग्लास का बना हुआ है। और अगर इसके चक्के की बात करें दोस्तों, ये 12 चक्का का एक ओपन बॉडी ट्रक है। देखिए पीछे 4-4-8 और एक 2 हो गया इसका लिफ्ट चक्का, और सामने हो गया इसका 2 चक्का, यानी कि ये 12 चक्का का ये ओपन बॉडी ट्रक है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये ट्रक। साइड से एक ट्रेन का भी यहाँ पर प्रिंटिंग करके रखा हुआ है भाई ने, रोडवेज, हाजी रोडवेज लिखा हुआ है। वहाँ पर देखिए टाइटैनिक का एक जहाज़ भी वहाँ पर प्रिंट हुआ है। ये पानी वगैरह हुआ है इसलिए मैं आपको पीछे से नहीं दिखा पा रहा हूँ इसलिए, लेकिन ये ट्रक बहुत ही खूबसूरत तरीके से भाई ने सजा कर रखा है। सुपर रॉकेट पायलट 1 यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर डीजल टैंक पर भी मतलब कि पेंटिंग किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। भाई आपका नाम? बबलू खान। बबलू खान आपका नाम है, आप कहाँ के? वेस्ट बंगाल के रहने वाले। अच्छा, तो आप कितने सालों से ट्रक लाइन में काम कर रहे हैं? 7 साल खलासी कर रहा था, उसके बाद 3 साल ड्राइवरी कर रहा है। अच्छा, आप 7 साल पहले मतलब कि खलासी सीखे, 7 साल लगी आपको खलासी ड्राइवर बनने में आपको, अभी 3 साल फिलहाल हुआ है आप गाड़ी चला रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको इस गाड़ी लाइन में आकर? अच्छा लग रहा है, किंतु सामान तो कोई भी मिलता नहीं है। रोड पर पुलिस का जमाला है बहुत सारे, मेरा बेंगल में ज्यादा, खास करके बेंगल में ज्यादा परेशान करते हैं आरटीओ पुलिस वाले परेशान करते हैं। और बाकी स्टेट में आप कहाँ कहाँ गए हुए आप? हमें तो आंध्र, जी जी, बेंगलोर, कर्नाटक। अच्छा, ये बहुत सारे आपने स्टेट गए हुए आपको? आसाम, अगरतला, त्रिपुरा। जी जी जी, ऐसे नॉर्थ ईस्ट में गए हुए, अगर साउथ में भी आप गए हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी है आरटीओ वाला पुलिस वाला का वेस्ट बंगाल में है। वो ज़्यादातर हमारे जितने भी ट्रक ड्राइवर भाई होते हैं उनसे मतलब यही सुनने को आ रहा है कि ज़्यादातर वेस्ट बंगाल के पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। तो आप जब से ट्रक 3 साल हो गए आपको चला रहे, आपको इसको सैलरी वगैरह आप में इसको क्या ज़्यादा नहीं मिलता भैया? गाड़ी पर जो ज़्यादा पैसा भी मिलता नहीं है, इनकम भी ज़्यादा नहीं है। 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, हम लोग को 12,000 रुपया मिलता है। अच्छा, आपको इसमें 12,000 मिलता है। आप डबल ड्राइवर है, आप सिंगल? सिंगल। आपके साथ जो आपका हेल्पर है, आपका खलासी करने वाले, उनको चलाना नहीं आता है, आपको अकेला ही चलाना पड़ता है। जैसे कि आपको हम बहुत दिनों से देख रहे हैं यहाँ पर, 4 दिन से आप खड़े हुए हैं, माल नहीं मिलता, माल लोडिंग के लिए नहीं मिल रहा। अभी कितने दिन तक अभी आपको खड़ा होना पड़ेगा? और माल
मालूम नहीं है कितना दिन माल मिलेगा तो जाएगा, माल मिलता है वो भी रेट कम है इधर से बढ़ता है 1200 रुपया भाड़ा जी। अभी बारिश के मौसम की वजह से शायद इस तरह का डाउन चल रहा है, ट्रांसपोर्ट जो मार्केट है वो डाउन चल रहा है। आपका ओनर से कॉन्टैक्ट हुआ है कि कब तक माल लोड हो जाएगा यहाँ से? ट्रांसपोर्ट वाला बोल रहा है जो हो जाएगा, हम तो इधर ही खड़ा है उसके भरोसा में। अच्छा, आपका गाड़ी ट्रांसपोर्ट से चलता है आपका? हाँ। जैसे कि आप माल लेकर आए थे कहाँ से आप? वो तो बेंगल से आलू लेकर आया था। अच्छा, बेंगल से आलू लेकर आए थे, पूरी में आपने खाली किया हुआ है और फिर आपके ट्रांसपोर्ट यहाँ पर है तो आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी कब लोडिंग होगा, कब जाना होगा उसका कोई मालूम नहीं है। जैसे कि आप इतने दिनों खड़ा हुआ है यहाँ पर, खाना पीना आपका कैसा क्या चल रहा है? गाड़ी पर खाना बनाता है। गाड़ी पर आपका सारा इंतजाम बनाने का है आपका, नहाना धोना कैसे क्या सुविधा इसमें आपका हो रहा है? तो जहाँ भी पानी मिलता है उधर भी ले लेता है, डब्बा जी तो मेरा गाड़ी पे है। पानी वगैरह सुविधा यहाँ पर आपका है? पानी नहीं मिलता है ज्यादा, बहुत दूर जाना पड़ता है। अच्छा, बहुत दूर से आपको पानी लाना पड़ता है, तकरीबन 501 किलोमीटर तक जाना पड़ता है आपको पानी लाने के लिए। तो वो खाना पकाने के लिए भी वहाँ से पानी लाना पड़ता है। कितने घंटा आपको गाड़ी चलाना पड़ता है और आराम कितना घंटा करते हैं? सारा दिन भर 2 घंटा आराम हो जाएगा तो मेरे को कुछ नहीं। अच्छा, 2-3 घंटा आपको रेस्ट मिलता है और बाकी टाइम गाड़ी चलाना पड़ता है। कभी कभी खड़ा होते तो ज्यादातर रेस्ट मिल जाता है उस टाइम, लेकिन जब सफर में रहते हैं तो उस टाइम क्या कुछ रहता है? तो आधा घंटा 1 घंटा उसके बाद नहीं मिलता। नाइट में भी गाड़ी आपका चलता है? रात दिन दोनों टाइम गाड़ी चलता है आपका। जब अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश ज्यादा होता तो हम साइड करके खड़ा कर देते हैं गाड़ी। जी, गाड़ी खड़ा कर देते, जब आंधी तूफान तेज आ जाता है तो गाड़ी आप खड़ा कर देते हैं। ज्यादा नींद भी आएगा तो गाड़ी खड़ा कर देते हैं। अच्छा, ज्यादा नींद भी आएगा, इसमें टाइम में पहुंचना तो नहीं होता है? अगर आपको नींद आता है रात को तो आप साइड में कर देते हैं आप। जैसे कि आप मतलब कि इतना साल आपको लग गया खलासी से ड्राइविंग बनने के लिए, क्या वजह उसका हो सकता है? वो तो 7 साल लग चुका है, हम तो हमारा जो उस्ताद है ना वो तो बिहारी था। जी जी जी। वो तो मेरा बाएं तरफ से दाहिने तरफ नहीं जाना देता है। अच्छा अच्छा, आप एक ही उस्ताद के साथ 7 साल रहे आपने, इसलिए आपको ज्यादा टाइम लग गया। वो आपको चलाने के लिए नहीं दे रहे थे शायद? वो बोलता है जो गाड़ी का काम है ना, गाड़ी चलाने के लिए 1 महीना लगता है। जी जी, पूरा सीख जाएगा, किंतु गाड़ी का जो काम होता है उसका मालूम नहीं होता है। अच्छा, गाड़ी का जो काम वगैरह होता है, छोटा मोटा काम रहता है, ज्यादा भी टाइम लग चुका है तो पूरा काम सीख के जाना पड़ेगा। जी जी, दिक्कत नहीं आता है। जी जी, गाड़ी रोड पर कुछ भी हो जाएगा हम समझ लेगा। अच्छा, आपको काम सीखने में ज्यादा टाइम लग गया आपको, वरना आप गाड़ी चलाना सीख गए थे आप। अच्छा, जैसे कि ये गाड़ी आपका 2010 का 13 का बता रहे आप, लेकिन गाड़ी को अगर कोई पहले नज़र में देखेगा तो लगेगा एकदम नया गाड़ी बना हुआ है, इसका पीछे का क्या राज है उस्ताद जी, बता सकते हैं आप? बहुत अच्छा है। अच्छा, आपका जो ओनर है बहुत अच्छे है आपका? बहुत अच्छा है, वो उसका ये पुरातन गाड़ी है। जी जी, मॉडल गाड़ी है, वो गाड़ी नहीं बिकता है। जी, बोला था ये मेरा लक्ष्मी है, जी बिकता नहीं है। अच्छा अच्छा, इसलिए इसी को जमने से रखते हैं। मतलब प्यार आप सजा कर रखे हुए, जो नाम वगैरह सब लिखा हुआ है सब किन का नाम है? उनका जो फैमिली मेंबर जो रहते हैं रिलेटिव, उनका नाम है। अच्छा, ये 2013 का गाड़ी है, लेकिन आपको इस पे आए हुए कितना दिन आपको हो गया इस गाड़ी को चलाते हुए? हम तो इस गाड़ी पर भी खलासी किया था। अच्छा, ये गाड़ी पर भी आप खलासी किए हुए हैं आप? अभी तो ये गाड़ी चलाने मेरे को 4 मास हो चुका है। 4 महीना आपको हुआ इस गाड़ी में आए हुए? अच्छा, तो कैसा लग रहा है ये गाड़ी चलाने में? इतना पुराना गाड़ी है, अभी BS4 का गाड़ी चल रहा है, BS6 का गाड़ी चल रहा है, लेकिन ये BS3 का होगा शायद। इसके साथ तो जो नया वाला गाड़ी छूट नहीं पाता है। अच्छा, इसके साथ नया वाला गाड़ी मतलब टक्कर नहीं ले सकता है? हम तो कच्चा माल भी बेचते हैं ना, इसमें अंगूर टमाटो भी। अच्छा, इसमें अंगूर भी जाता है और टमाटो भी जाता है इसमें, और क्या क्या माल इसमें जाता होगा उस्ताद जी? जो भी माल मिलता है हम, जो भी मिलता है कोयला से लेकर जो भी कुछ भी मिल जाए आप ले जा सकते हैं आप? जो गलत माल नहीं बेचते, मतलब इलीगल माल जो होता है वो नहीं ले सकते। लेकिन जब ये ओपन बॉडी ट्रक है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तिरपाल वगैरह बांधने का इसमें क्या कुछ दिक्कत होता होगा? दिक्कत तो थोड़ा सा डाला तो हाइट है ना। जी जी जी, इसमें तिरपाल बांधने के लिए मतलब कस के बांधना पड़ता है। जब सफर करते हैं रास्ते में जाते हैं, कितने किलोमीटर के जाने के बाद फिर चेकिंग करते हैं तिरपाल कहीं ढीला हो गया या फिर क्या हो गया? वो तो हाइट माल होता तो खींचना पड़ता है। जी जी, डाला लेवल माल होता तो नहीं देखते, नहीं खींचते आप, ऐसे ही तिरपाल डाल के चले जाते हैं अंदर अंदर। टायर देखना पड़ता है। अच्छा, बोल्टू मार देता है। अच्छा, टायर चेक करते हैं कितने किलोमीटर तक चलने के बाद चेकिंग? 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अच्छा, ऐसा होता है आपका। जब सफर करते हैं उस टाइम गाड़ी में खाना बनाते हैं आप? उस टाइम में फाका टाइम मिल जाता है तो खाना बना देता है। अच्छा, ये जो चक्का इसका 12 चक्का का गाड़ी है, इसमें कितना टन का पासिंग है इसमें? 25 टन। 25 टन का पासिंग है इसमें? पहले था इसको 21 टन। अच्छा, अभी 25 टन किया था। अभी 25 टन किया गया इसमें, मतलब जो लिफ्ट चक्का अभी नहीं था इसका, 10 चक्का था ये वाला? नहीं, शुरू से 12 चक्का है। तो इसमें जो डीजल टैंक है, इसमें कितना लीटर का डीजल टैंक है? 360 का है। ये कितना एवरेज देता है? ये 330-360 ऐसे देता है। अच्छा, 3 और उससे ज्यादा भी देता है, खाली हो या फिर लोड हो? नहीं, लोड पर खाली से तो 4 से ज्यादा भी देता है। अच्छा, ये बात है।
तो जैसे कि आपका ये गाड़ी जो ये तो आगे वाला जो शो आपने सजाया हुआ है, अंदर भी काम जो किया हुआ, कितना खर्चा अनुमान आ गया होगा इसमें? तो ये बारचा का डाला करने के लिए 5-5.5 लाख चुका है। जी जी, 5.5 लाख आपका खर्चा हो गया इसमें टोटल डाला बनाने के लिए, पूरा बॉडी बनाने के लिए। का मॉडल ऐसे मॉडल बनाएगा तो 5 लाख लगेगा। ऐसे मॉडल बनाएंगे तो 5 लाख में हो जाएगा आपका। अच्छा उस्ताद जी, आपने मतलब कि लगभग 10 साल इस ट्रक लाइन में आपने दे दिया है, 10 साल में आपने काफ़ी कुछ सीख गए होंगे, मतलब ट्रक चलाने से लेकर ट्रक के जो अंदरूनी काम होता है कभी कभी वो भी आप सीख गए होंगे। ऑल इंडिया पर कोई भी जाएगा मेरे को पूरा जाएगा मालूम है। अच्छा ऑल इंडिया आप गए हुए हैं ट्रक लाइन में, जो 7 साल आप खलासी कर रहे थे एक ही ड्राइवर के पास खलासी किया? नहीं, वो तो उसके बाद पूरा काम सीखते उसके बाद जाएगा। जी जी जी, अच्छा मतलब कि पार्किंग लाइट वगैरह सब इसमें दिया हुआ है? तो पार्किंग है, बहुत सारा पार्किंग है, मेरा गाड़ी का पूरा लाइट है, पूरा अंदर से लाइट है आपका। ये पूरा पूरे आपने जो साइड में भी रंगारंग करके डिजाइन करके रखा हुआ है, इसको भी मतलब कि जो मालिक है उसने उन्होंने कराया है, आपका इसमें कोई आइडिया नहीं था कि आप ऐसा कराएंगे क्या ऐसा कुछ? मालिक तो बोलता था जो जो गाड़ी सजा लो। जी जी, उसको सजाने के लिए पैसा जब लगेगा तो कुछ नहीं बोलेगा। जी जी, जितना मर्जी आप सजा लो। जी जी, लाइट तो मेरा भी लाइट पूरा गाड़ी में लाइट रात भर होता तो आप लोग को टेंशन था। जी जी, पूरा लाइट है, ये नीचे भी लाइट आपका जलेगा? ये पूरा लाइट नीचे जलेगा, ऊपर भी जलेगा आपका लाइट? पूरा लाइट, पूरा लाइटिंग हो जाएगा रात को, मतलब कि बहुत खूबसूरत लगता है। ये जो यहाँ पर हार्ट बना कर रखे ये भी लाइट जलेगा? ये तार शायद टूट गया आपका, ये नहीं जलेगा अभी शायद ये। अच्छा ये बात, लास्ट कुछ सवाल करेंगे आपसे, जैसे कि आप इतने 10 साल से इस लाइन में काम कर रहे, जैसे कि आप अगर देश के जनता के लिए, देश के सरकार के सामने हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपना बात रखना चाहेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे आप? आपको चैनल हर आदमी को देखना पड़ेगा। जी जी, तो मेरा ड्राइवर तो सुरक्षित है, ये देखेगा तो बहुत अच्छा होगा। उसके भी जो मेरा जो गवर्नमेंट है ना बंगाल का, वो जो पुलिस वाला है, जी जी, परेशानी करता है जी, थोड़ा सा समझाएगा तो बहुत अच्छा होगा। जी जी, आरटीओ जो परेशानी कर रहा है, मतलब आरटीओ वाला जो परेशान करता है उन्हें करना नहीं चाहिए, जो भी लीगल तरीका होता है। ओवरलोड होता है तो फाइन लो। जी जी, गाड़ी को कोई भी कागज, हाँ ऐसा कभी कभी होता है कि गाड़ी में हर सामान सही रहता है, पेपर जो भी रहता है सब सही रहता है, लेकिन फिर भी आरटीओ परेशान करते हैं, बोलते हैं 500-1000 दे दो और चले जाओ, ऐसा बोलते हैं। पकड़ेगा तो 500 रुपया लेगा। अच्छा, गाड़ी रुक पाएंगे तो 500 लेंगे ही लेंगे, चाहे आपका हर सामान सही रहे, ऐसा भी करते हैं, मतलब ये तो बहुत गलत है। अच्छा उस्ताद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके, आपने आपका कीमती देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे साथ उस्ताद जी, जिन्होंने बात किया, बहुत ही अच्छा लगा। और इनका गाड़ी देखिए दोस्तों, बहुत ही कमाल का गाड़ी है, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये गाड़ी। 2010-13 मॉडल का गाड़ी है, लेकिन लग नहीं रहा कि ये पुराना गाड़ी है। दोस्तों वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते दोस्तों इसी तरह और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।